हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट दिस इजिन ट्री का हेलुरोनिक एसिड एयरी सन स्टिक। बहुत टाइम हो चुका है इसको लिए हुए को, बट रिव्यू का टाइम नहीं मिल रहा था। बट फाइनली आई एम हियर विद माई एक्सपीरियंस ऑन दिस सन स्टिक। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह की ये पैकेजिंग में आती है जिसमें सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। इवन इंग्रेडिएंट लिस्ट भी इसके ऊपर मेंशन्ड नहीं है। एंड इस तरह की ये छोटी सी पैकेजिंग है जिसमें यहाँ पे कवर है दिया हुआ और ये यहाँ से रोल करके ये निकलेगा। टेप है, ये बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही पॉइंटी सा दे रखा है एज, जिससे क्या है कि ये जो अंडर आइज के आसपास है ना, यहाँ पे बहुत अच्छे से ये लग जाएगी, बिकॉज ये वाली जो चीज़ है वो पॉइंटी है। सो आई लव द पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ईजी टू यूज़, बिकॉज इस एरिया में फिर अगर राउंड शेप हो तो लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ ये 22 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड रिटेल फॉर 1850 रुपीज़, विच इज़ ऑन अ एक्सपेंसिव साइड, नॉट वेरी अफोर्डेबल आई वुड से। नाउ ये SPF 50 प्लस है यहाँ पे और PA 4 प्लस ये कह रहे हैं। UVA UVB रेज दोनों से ये प्रोटेक्ट करेगी आपको, विच मीन्स इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। नो इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप आपको बंच ऑफ केमिकल फिल्टर्स मिलते हैं, बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स आर देयर, बंच ऑफ सिलिकॉन्स आर देयर, नायासिनामाइड आपको मिल जाएगा, देन और इसमें केमिकल फिल्टर्स डले हुए हैं। इसके अंदर आपको बेम्बू वाटर मिल जाएगा एंड हिबिस्किस का फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, सेरामाइड NP आपको इसमें मिल जाएगा, ग्लिसरीन है, ऑलिव फ्रूट ऑयल है और बहुत सारे के प्लांट्स एंड फ्लावर के रूट एंड स्टेम एक्सट्रैक्ट जले हुए हैं। एलोवेरा लीफ जूस है इसके अंदर, डिनोसिन है और 8 तरह के इसके अंदर हेलोरोनिक एसिड जले हुए हैं, जिसमें हाइड्रोलाइज्ड हेलोरोनिक एसिड भी आपको मिलेगा, सोडियम हेलोरोनेट है, देन मोर ह्यूमेक्टेंट्स एंड लास्ट में एक प्रजर्वेटिव डला हुआ है। दिस सनस्क्रीन इज फुल ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स, बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स इसके अंदर डले हुए हैं, बहुत सारे इसके अंदर फ्लावर के रूट एक्सट्रैक्ट्स डले हुए हैं, लीफ एक्सट्रैक्ट्स डले हुए हैं, सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, सेरामाइड है, नायासिनामाइड है एंड केमिकल फिल्टर्स डले हुए हैं। सो इट इज़ अ केमिकल सनस्क्रीन, इसके अंदर कोई भी तरह का फिजिकल फिल्टर नहीं डला हुआ है। सो अगर आप केमिकल सनस्क्रीन अवॉइड करते हैं, यू कैन स्किप दिस वन। टेक्सचर की बात करूं तो देखो ये वैक्सी सा ही टेक्सचर है इसका, बट यस, जब आप इसको अप्लाई करते हो ये काफ़ी स्मूदली चल जाता है और बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं आती है, लेकिन फील्स लाइक नथिंग ऑन योर स्किन। तो बहुत ही ज़्यादा लाइट टेक्सचर है, सो इट्स गोना बी सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इवन अगर आपका ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तब भी ये बहुत आराम से सूट कर जाएगी आपको। आई नो इसके अंदर एक आधा ऑयल डला हुआ है, बट फॉर्मुलेशन इसकी काफ़ी अच्छी हुई है तो बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होता है। लाइक आफ्टर 1 to 2 hours अगर इसको रीअप्लाई भी करते हो तब भी ऑयलीनेस आपको उतनी ज़्यादा फील नहीं होती है जो मुझे मिनिमलिस्ट की सनस्टिक से फील हुई थी। सो गुड वन, आई लाइक इट, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बट स्टिल इफ़ यू आर इन अ बजट, अगर आपको ये नहीं लेनी है और अगर बजट में हो तो इसके जैसी ही सनस्क्रीन स्टिक डर्माको ने निकाली है, वो आई थिंक इसके हाफ प्राइस पे आपको मिल जाएगी, जिसका मैंने आई थिंक लास्ट मंथ ही आपको कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको रिव्यू दिया था। वो भी ऐसी ही बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल भी यू नो ऑयली फील नहीं होता है उससे भी। तो अगर आप ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दिस वन। और इफ़ यू लुकिंग समथिंग ड्यूप और थोड़ा अफोर्डेबल ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हो, देन यू कैन गो फॉर द डर्माको वन। ये भी अच्छी है बट ओनली इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। वेदर आई विल बी रीपरचेजिंग, नो, बिकॉज इतना महंगे की बजाय मैं फिर अफोर्डेबल वाली ऑप्शन की तरफ ही जाऊंगी। बट येस, इन डीड इट्स अ ब्यूटीफुल सनस्क्रीन। दैट इज इट गाई, दैट वॉज माई क्विक एक्सपीरियंस ऑन दिस सनस्क्रीन। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।